Good morning students, welcome to maths class standard 4. We will continue our revision chapter 2, long and short. Long and short में previous video में हमने sums किए थे, जहाँ पे आपको addition और subtraction वैसे कितने round आप लगाते हो वो हमने find किया था, और अगर हमें particular दे दिया है कि इतने आपको park कितने meter का है और आपको 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर complete करना है तो कितने round लगाने वैसे वाले सब हमने प्रीवियस वीडियो में किए थे. आज मैंने एक चार्ट पहले से ड्रॉ करके रखा है, एक मैप बना के रखा है, तो उसी के बेस पे हम क्वेश्चन आंसर फिल करेंगे. तो यहाँ पे आंसर है, क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द मैप गिवन बिलो. तो ये जो मैप दिया है आपको गवर्नमेंट पेपर में भी इस टाइप का एक मैप दिया था और उसमें से आपको क्वेश्चन आंसर पूछे थे, क्वेश्चन पूछा था, तो मैं उसी टाइप का, ये है हमारा. तो ये मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा क्रॉस बनाया हुआ है कि यहाँ पे ए जो है, फर्स्ट जो है हमारा ए विलेज जो है, तो ये ए विलेज है, ये बी विलेज, सी, डी एंड ए, ई. ओके, तो ये जो चारों पांच विलेज है तो उन सबके बीच में डिफरेंस क्या है, तो वो मैंने यहाँ पे लिखा है कि बी ए से बी विलेज अगर जाना है हमें, विलेज ए यहाँ से आपको ये विलेज जाना है तो उसका डिस्टेंस है 25 किलोमीटर. फिर ए से अगर सी विलेज जाना है आपको तो वो 15 किलोमीटर. ई से ई सॉरी ए से ई का 20 किलोमीटर, ए से डी का 40 किलोमीटर. तो मिडल में जो विलेज है वो ए विलेज है और उसके बाद का हमें दिया हुआ है मेजरमेंट सारा. तो अगर उसे हमें उसी के बेस पे हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ फार इज विलेज बी फ्रॉम विलेज ए. क्या क्वेश्चन है, हाउ फार इज विलेज बी फ्रॉम विलेज ए. तो विलेज बी फ्रॉम ए से कितना फार है तो वो हमें पता चल जाएगा यहाँ पे 25 किलोमीटर. तो यहाँ पे आप सीधा लिख सकते हो 25 किलोमीटर. ओके, तो ये आपका हो गया 25 किलोमीटर. सेकेंड क्वेश्चन हम लिखते हैं कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन विलेज बी एंड विलेज सी. विलेज बी एंड विलेज सी, आपका क्वेश्चन यहाँ पे है बी एंड सी का डिफरेंस. ओके, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन विलेज बी एंड सी, बी एंड सी का डिस्टेंस कितना है. तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अगर आप विलेज बी में हो, अगर आप विलेज बी में हो और आपको विलेज सी जाना है तो टोटल कितना किलोमीटर होगा. तो टोटल यहाँ पे दिया नहीं है हमें, पहले विलेज बी से ए का कितना है तो 25 किलोमीटर और ए से सी का कितना है तो 15 किलोमीटर. तो हमें 25 किलोमीटर प्लस 15 किलोमीटर आपको यहाँ पे करना पड़ेगा. तो इस तरह से पूरा लिखना, 25 किलोमीटर प्लस 15 किलोमीटर इज इक्वल टू कितने हो गए, 25 प्लस 15 करोगे तो कितने हो गए 40. आप हम साइड में यहाँ पे करते हैं 25 प्लस 15, 5 प्लस 5 10 का 0 नीचे 1 होगा ऊपर कैरी, 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4, तो 40 किलोमीटर आंसर आएगा. आंसर क्या आएगा, 40 किलोमीटर. बट आपको इस तरह से पूरा लिखना है, ओके, आपको इस तरह से पूरा लिखना है तो आपको पता चलेगा कि आपने 40 किलोमीटर आपका आंसर कहाँ से आया, वो आपको पता होना चाहिए ना. तो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन विलेज बी एंड विलेज सी,
कि यहाँ पे सारा
टू कवर इफ टू हाउ मच डिस्टेंस मेहुल हैव टू कवर मेहुल हैव टू कवर यहाँ पे एक अभी सॉल्व द प्रॉब्लम्स की तरह दिया हुआ है कि हाउ मच डिस्टेंस डू मेहुल हैव टू कवर इफ ही वांट टू गो फ्रॉम if he want to go from village to village b want to
प्लस कितना होगा 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर इज इक्वल टू, तो 40 प्लस 15 कितने हो गए 45 किलोमीटर ही आएगा। क्या आएगा आपका 45 किलोमीटर ही आएगा। तो इस तरह से आपको मैथ देके भी बहुत सारे क्वेश्चन आंसर आ सकते हैं। आपको मैथ समझ के ये सारे सम्स करने हैं, बहुत ही इजी है। बट ये रिवीजन चल रहा है तो मैंने वन टाइम आपको ये चीज भी करा दिया। अब हम दूसरा आज करेंगे, दूसरा जो हमने ग्राउंड वाला जो था सम्स वो हम करेंगे। स्टार्ट करते हैं। जो मैप आपको जिस तरह से यहाँ पे मैप दिया था और मैप के बेस पे आपको क्वेश्चन आंसर थे, अभी मैं ग्राउंड थ्रो करके जो क्वेश्चन आंसर आते हैं वो आपको कराती हूँ सॉल्व द प्रॉब्लम। One round. देख, one round आप लगा
राउंड इज इक्वल टू हाउ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ऑलवेज 700 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय 1 700 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय 1 तो अभी हम यहां पे सीधा कर सकते हैं ना 7 3 जा आता है ना 7 3 जा 21 7 3 जा 21 और फिर 2 0 जो है वो सीधा हमें रख देना है और ये हमने क्या फाइंड किया मीटर फाइंड किया क्या फाइंड किया मीटर 700 मल्टीप्लाई 3 करोगे तो 2100 मीटर आंसर आएगा क्वेश्चन क्या है किलोमीटर तो हमें इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर देना है तो 2100 तो 2000 दैट मींस 2 किलोमीटर एंड 100 मीटर बच जाएगा तो इस तरह से लिख देना है 2 किलोमीटर एंड 100 मीटर तो यहां पे लिख देना है स्टेटमेंट वी कवर Cover 2 किलोमीटर एंड 10 मीटर टू रन 3 राउंड ओके आप कितना कवर कर पाओगे 2 किलोमीटर एंड 100 मीटर है ना यहां पे 2 किलोमीटर एंड 100 मीटर है ओके तो वो आपको लिख देना है सेम फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ पूरा कि यहाँ पे आपको क्वेश्चन में पार्क कितने मीटर का है या कितने किलोमीटर का वो आपको नहीं दिया है आपको जो पार्क का ड्राइंग दिया है उसमें से समझ के आपको लिखना है कि यहाँ पे पार्क के पास आपको लिख ही दिया है कि वो 700 मीटर का है कितना है 700 मीटर का है तो यहाँ पे ऐसे लिख देना है इफ वन राउंड इज इक्वल टू 700 मीटर सो 3 राउंड इज इक्वल टू हाउ मच फिर 700 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो यहाँ पे मैंने आपको सीधा मल्टीप्लाई करना सिखाया है कि जहाँ पे 0 आता है वहाँ पे आप सीधा मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो 7 3 सा 21 फिर ये 700 के पीछे जो 2 0 है उसे हम सीधा लिख देंगे तो 2100 मीटर हमें आंसर मिलेगा उसे हम किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 2 किलोमीटर एंड 100 मीटर हमें मिलेगा फिर आपको लास्ट में स्टेटमेंट लिख देना है कि वी कवर 2 किलोमीटर एंड 100 मीटर टू रन 3 राउंड्स 3 राउंड्स हम लगाएंगे तो हम कवर कितना करेंगे 2 किलोमीटर एंड 100 मीटर सेकंड करते हैं ये 100 मीटर है तो ये वाला भी 100
मीटर आपको इस तरह से भी आ सकता है। क्या आपको पार्क ड्रॉ कर दिया है? यहाँ पे आपको जैसे इस सम में पार्क कितने मीटर का है वो नहीं दिया है, वैसे भी यहाँ पे भी पार्क कितने किलोमीटर या मीटर का है वो नहीं दिया। यहाँ पे सिंपल सा दिया है स्टेटमेंट कि इफ वी रन फोर राउंड, सॉरी इफ वी रन फोर राउंड राउंड2 kilometers